crystal skies, pearly gates. When I cross my heart, I look both ways. Cause I know you need my help most days, and I can't watch you fall. Play on broken strings, but the ugly world has clipped your wings. You need someone to forgive your sins, and I'm there when you call. Hello and welcome to my channel. तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन पे रेन फ्रीजिंग इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिप रिकॉर्ड करूँगा और फिर उसे काइन मास्टर में एक्सपोर्ट कर दूँगा। फिर उसमें जो है रेन का एक ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट है, उसे इंसर्ट करूँगा। तो इस इफ़ेक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर मैं उसमें क्रोमा की यूज़ करूँगा। क्रोमा की यूज़ करने के बाद जो तो ग्रीन से इफ़ेक्ट है, इसे रिमूव करने के लिए इसमें कोई इफ़ेक्ट दे दूँगा। फिर इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम करके ये इफ़ेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ से आगे मैं दूसरा ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट ऐड करूँगा इस वीडियो में, और इसमें भी सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगा। पहले इसमें क्रोमा की, फिर उसके बाद जो ग्रीन सी आपकी आउटलाइनिंग रहती है उसे मिटाने के लिए इसमें कोई फ़िल्टर दे दूंगा, ब्लैक एंड वाइट या कोई भी जो इस पर अच्छा लगे। तो उसके बाद जो हमारा वीडियो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो उसके बाद मैं अलग इफ़ेक्ट इसमें दूंगा। जब ये रेन हमारी जूम होती है तो मैं अपनी मेन क्लिप को भी जूम करूँगा कुछ इस तरह से। तो उसके बाद जो क्लिप है कुछ ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसे वापस न्यू प्रोजेक्ट के रूप में ऐड कर दूंगा काइन मास्टर में। फिर उसके बाद ये जो हमारा जूमिंग वाला इफ़ेक्ट है, इसे मैं क्रॉप कर दूंगा। और क्रॉप करने के बाद इसे डुप्लीकेट कर दूंगा, और जो पार्ट मैंने डुप्लीकेट किया है फिर उसे रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स करने के बाद जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो वीडियो मैंने रिवर्स किया है, इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा। स्पीड लगभग 1 point something के करीब रखूंगा। फिर उसके बाद मैं इसमें थर्ड ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट ऐड करूंगा। फिर इसमें क्रोमा की यूज़ करके इसे एनिमेट करूंगा। फिर इसे बिल्कुल मैं प्रॉपर हाथों के मूवमेंट के साथ एनिमेट करूंगा। तो उसके बाद इसी क्लिप को मैं दोबारा से इंसर्ट करूंगा और जो गैप रहता है उसे फिल कर दूंगा।
इसके बावजूद भी थोड़ा सा जो गैप रह जाएगा उसे भरने के लिए मैं इसी क्लिप को तीसरी बार इंसर्ट करूँगा और उसे भी प्रॉपरली एनिमेट करूँगा हाथ की मोमेंट्स के साथ। तो उसके बाद जो है वो एंडिंग में मैं वापस रेन वाला ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट फिर से ऐड करूँगा, फिर से उसमें क्रोमा की इस्तेमाल करूँगा, इफ़ेक्ट्स दूँगा और एट लास्ट इस वीडियो को मैं रिवर्स कर दूँगा। तो उसके बाद जो हमारा वीडियो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंडिंग में जो एक बारिश है वो हमें रिवर्स ऊपर जाते हुए दिखेगी। तो उसके बाद थोड़े से इसमें इफ़ेक्ट्स देके वीडियो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो वीडियो जो है वो बेस के साथ फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये मैंने कैसे बनाई इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।